कैसे रहेंगे, बस इसी चीज की झांझ चाहिए हमें। और ध्यान में आप सब कुछ देख लेंगे अपनी ही तीसरी अंग के माध्यम से, आत्मदृष्टि के माध्यम से। परंतु आंखें नहीं बंद करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यूं ही रिक्त हस्त आप शरीर छोड़ेंगे, फिर दोबारा जन्म लेंगे। और कितने बार जन्म लेंगे आप? यहां क्या करते हैं ऋषिकेश में सभी लोग? ध्यान नहीं करते हैं, भजन भोजन। भजन से मुक्ति मिलती है, संगीत से मुक्ति मिलती है क्या? नहीं मिलती। अच्छे कर्म करोगे तो मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ध्यान से ही मुक्ति मिलेगी। हम शरीर से बाहर आते हैं, अपने आप को शरीर से अलग देखते हैं, स्वानुभव से हम मुक्ति पाते हैं। हम देखते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा। जब तक मन को शून्य नहीं करेंगे यह तो संभव ही नहीं। और मन शून्य होगा जब आप सांसों के साथ हैं। अरे बाबा, हिमालयों में योगी लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, आंखें बंद कर बैठ जाते हैं। जो हिमालय उन पहाड़ियों में जो कर रहे हैं, हमें यहाँ इस मैदान में करनी है, इस नदी के तट पर, अपने घर में होते हुए, घरेलू संसार को निभाते हुए, पति पत्नी होते हुए, बच्चे माता पिता होते हुए, हमें ध्यान की अभ्यास चाहिए। दो रोटी कमावें और दो घंटे ध्यान में बैठे, तीन रोटी खावें तीन घंटे ध्यान में बैठे, अगर हम पांच रोटी खाते हैं तो पांच घंटे ध्यान में बैठे। नहीं हमें राजा बननी है, ना ही हमें महल चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो अपने चश्मे उतार दें, बैकग्राउंड मुद्रा में बैठ जाए। फोरग्राउंड में मेडिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि ठीक माहौल बनती है संगीत से। केवल माहौल के लिए है संगीत, मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्ति के लिए तो सांस है, सांसों के साथ रहना, सुखमय प्राणायाम। गौतम बुद्ध ने इसे आनापानसति कह चुके हैं। आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, संगीत से सुकून मिलती है। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। बार बार ध्यान करें, हजार बार ध्यान करें, Thank you.
प्रॉपर्टी करेंगे, कितने पैसे कमाएंगे। शून्य करेंगे हम, भूल जाएंगे हम स्त्री है या पुरुष, हिंदू है या मुस्लिम, भारत के हैं या कोई अफगानिस्तान के हैं, कितने पैसे वाले हैं भूल जाएंगे हम। ये सब तो हम तो छोड़ के ही जाने वाले हैं, ये तो निश्चित है। अरे बाबा, जो छोड़ के जाने वाले हैं तो उसके प्रति हमें क्या लगन होनी चाहिए। ध्यान के कृषिवल बनेंगे अर्थात योगी बनेंगे। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। तो क्या हम बन चुके हैं क्या? अगर नहीं बनेंगे तो नुकसान किसकी? भगवान श्री कृष्ण का नुकसान या अर्जुन का नुकसान? उसका ही नुकसान होगा। योद्धा तो थे परंतु योगी नहीं थे। तो श्री कृष्ण ने कही, हे अर्जुन, आप तो योगी बनिए। भले ही आप संगीतकार हैं परंतु योगी नहीं बने। भले ही आप पंडित हैं, कवि हैं, परंतु योगी नहीं बने। और जब तक योगी नहीं बनेंगे, बार बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा आपको, लेंगे ही आप। आंखें बिल्कुल बंद, आंखें नहीं बंद करेंगे तो योग का नाम निशान तो है ही नहीं। आंखें दुनियादारी के लिए है और सांस दीनदारी के लिए। गंगा जी में स्नान करे तो मुक्ति मिलेगी क्या? गंगा जी का पानी को सेवन करे तो मुक्ति मिलेगी? अरे गंगा जी के पास या अपने घर में बैठकर ध्यान में बैठे सांसों के साथ एक हो तो ही मुक्ति मिलेगी, यानी अज्ञान अंधकार मिट जाएगी। अज्ञानता का नाम है मैं शरीर हूं समझते हैं। चश्मे निकाल लीजिए, चश्मे के साथ ध्यान नहीं होता है। पढ़ने के लिए चश्मे चाहिए, चश्मे के साथ क्या ध्यान करेंगे आप? क्या कोई हंसी मजाक की बात है क्या? ध्यान अगर हंसी मजाक की बात है तो यहां नहीं हो ना आप। जिसको बुद्ध जैसे बनना है बस वही लोग हमें चाहिए, अन्य लोग हमें चाहिए ही नहीं।
बुद्ध जैसे नहीं बनता है तो हम वार्तालाप क्या करते हैं उनसे। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों को शून्य करें, यही है योग का निर्वचन। साधना करते हैं ध्यान की साधना चाहिए, संगीत की साधना से संगीत प्राप्त होता है, ध्यान की साधना से ध्यान, ना ही ध्यान की साधना से संगीत की प्राप्ति होती, ना ही संगीत की साधना से ध्यान की प्राप्ति होती है। आलू आलू है, बैंगन बैंगन है। भला क्या करते हैं हम? रुपया कोई भी आंखें न खोले, अपने आप के ऊपर एक अंकुश, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। Thank you.
ध्यान से सांसों पर, अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, ना कोई सोच ना ही कोई विचार, ना ही हमें भगवान की कोई फोटो देखनी है, श्वासों के साथ जुड़े रहिए, श्वासों के साथ बने रहिए। श्वास से ही हमारी गुरु है, क्योंकि श्वास से ही जन्म से लेकर अंतिम समय तक हमारी साथ है। ध्यान का रुचि चाहिए, रुचि मिलता है तो सब कुछ आप भूल जाते हैं। और ध्यान की रुचि के लिए थोड़ा बहुत साधना तो अवश्य हमें करना ही पड़ता ना। ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं, कृपया कोई भी आंखें न खोले, सुखत बैठे, कोई बेचैनी ना ही, ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे, ना ही कोई सोच ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्त, बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस, मेरे प्यारे दोस्तों, सांस की धारा और मन की धारा दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान। मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे, न कोई मंत्र है न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस, सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, शांत के साथ दोस्ती।
सांस के साथ मस्ती। सांस को भगवान, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को
मन के शांति, तन के स्वस्थता, खुशियों को पाने में ज्ञानी बन जावे, खुशियों को पाने में ज्ञानी बन जावे, मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाने में बन पांच मिनट और बैठे रहना है। आंखें बीच में बिल्कुल नहीं खोलनी है। तीन मिनट और। ऑन रॉक्स जल्दी। Come to